सीरत ज़ैनब के एक हिस्से को रखता हूँ। शहजादी के हवाले से दो बातें तो बहुत ही मशहूर है, शहजादी का जिक्र होगा तो पर्दे और हिजाब की बात जरूर आएगी, शहजादी का जिक्र होगा आज़ादारी इमाम मज़लूम की अहमियत जरूर आएगी। ये दो मौजूआत वो हैं जिसपे आप अक्सर मजालिस में सुनते रहते हैं। ज़ैनब की जिंदगी कुछ इतने मसाइब में गुजरी कि शहजादी का लकब भी उम्मुल मसाइब हो गया। ये सारी जिंदगी जिसने मुसीबतें ही मुसीबतें देखी, अभी बचपन है कि नाना की वफात को भी देखा और नाना के फौरन बाद अपनी माँ पे होने वाले मजालिम को भी देखा, जवानी के मरहले में दाखिल हुई और एक मरतबा अपने बाबा पे होने वाले मजालिम को देख रही, ज़ईफ़ी का मरहला आया तो मैदान करबला का एक ऐसा किरदार बन गई ज़ैनब कि रहती दुनिया तक करबला जिंदा हुई ज़ैनब की वजह से। इतने सारे मसाइब के लकब उम्मुल मसाइब करार पाया, लेकिन इन तमाम मसाइब के दरमियान ज़ैनब अपनी सीरत का एक अहम तरीन पैगाम हम तक पहुंचाया। और जो मेरा आम तरीक़ेकार दर्स में रहता कि दर्स का जो अपना एक मखसूस मिजाज है उसको और रशब की मुनासिबत को जहन में रखते हुए बात आगे की जाती, वो जो सीरत ज़ैनब का इन मसाइब के दरमियान ज़ैनब ने अपनी सीरत का जो एक अहम तरीन पैगाम पहुंचाया वो यही कि जितने भी मसाइब और जितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा उन तमाम मुसीबतों के दरमियान फरीजा तबलीग, फरीजा अमर बिल मारूफ, माशरे को आगाह करना हकायक दीन से, ये कभी ज़ैनब कुबरा के तर्ज अमल और सुन्नत से जुदा नहीं हुआ। रो रही तब भी फरीजा तबलीग जारी, कैदी बनी तब भी फरीजा तबलीग जारी, दरबारों और बाजारों में खुतबे दे रही तब भी फरीजा तबलीग जारी है, और इन तमाम के साथ जब शहजादी थी अली के जमाने में तब भी फरीजा तबलीग जारी। अपनी दीगर तमाम दुनियावी परेशानियों के दरमियान ज़ैनब ने यह मसला बताया। ज़ैनब कुबरा की जात एक नमूना बन के आती है कि जिसने सारी जिंदगी ज़ैनब की देख ली, रसूल जिंदा, बचपना है ज़ैनब का, मदीने की बच्चियों को खेल के नाम से बुलाती और तबलीग का सिलसिला जारी। ज़ैनब की जवानी आ गई, ज़ैनब शहजादी, क्योंकि अली कूफे में पूरी इस्लामी दुनिया के खलीफा, ज़ैनब शहजादी बनती है, लोगों औरतों को मुलाकात के लिए बुलाती और बाकायदा दर्स का सिलसिला शुरू कर देती। ज़ैनब की ज़ईफ़ी आ गई, अब ज़ैनब कैदी बनी, अब ज़ैनब के हाथ गर्दन से बंधे, अब ज़ैनब को बेमहमल और बेअमारी के ऊंट पे बिठा के ले जाया जा रहा, मगर बाजार में जाए तो, दरबार में जाए तो, हर जगह तबलीग का सिलसिला जारी, हर जगह खुतबात देने का सिलसिला जारी। हत्ता ये कि सीरत ज़ैनब का आखिरी हिस्सा, जिसके बारे में रिवायतें मुख्तलिफ, लेकिन एक रिवायत जो बहुत कम पढ़ी जाती, उलमा ने लिखी, जनाब ज़ैनब की कब्र कहां? शाम के शहर दमिश्क में सैयद ज़ैनबिया के नाम से एक आलिशान रोजा, काहिरा मिस्र के शहर काहिरा में ज़ैनबिया के नाम से एक रोजा, और मदीने की जन्नतुल बकी में भी एक कब्र को कहा जाता है कि ज़ैनब की कब्र। ये तीन चार जगह कब्र क्यों आ गई, कैसे आ गई? इसलिए कि ये पता नहीं चल सका कि जनाब ज़ैनब का इंतकाल कहां हुआ, और ये क्यों पता ना चल सका, वो इसलिए कि सैयद सज्जाद और ज़ैनब ने तकसीम कार कर ली। सैयद सज्जाद इमामत के फराइज अंजाम देना, मदीने को मरकज बनाया, और ज़ैनब को तबलीग दीन और हुसैन का पैगाम पहुंचाना। चुनाचे ज़ैनब ये मुनासिब समझा कि शहर शहर जाए, देहात गांव इस्लामी दुनिया के गैर मारूफ जगह ज़ैनब ने मदीने में हुसैन की सफ़ेदा बिछा। कुछ अरसा गुजरा, इनकलाब के आसार नजर आए, गवर्नर ने हाकिम को खत लिखा, हाकिम ये तो देख चुका कि ज़ैनब को कैद करने का नतीजा के नाम में यजीद दाखिले दुश्नाम हो गया, कैद तो नहीं किया जा सकता, का इनको मदीने से जिला वतन कर दो। मक्के आ गए, मक्के आए, यहां सफ़ेदा बिछा के बैठे, हुसैन का तस्करा शुरू किया, छह महीने साल यहां तबलीग की, लोगों को हालात मालूम है, इनकलाब आने लगे, का इन्हें ताइफ भिजवा दो। अब होता ये, एक तो ये कि शहजादी खुद एक सफर अपना मुकर्रर करे कि एक एक साल यहां रहना, हुकूमत के कान खड़े हो जाए, हुकूमत चौकन्ना हो जाए, ये क्या हो रहा, और एक तरीका यह कि हुकूमत के हाथों से तबलीग का सिलसिला हो रहा, वो ये समझ रही कि हम एक एक शहर में ज़ैनब को जिलावतन करके भेज रहे हैं, ज़ैनब सफर से घबरा जाएंगी, ज़ैनब गुर्बत से परेशान हो जाएंगी, मगर ये तो ज़ैनब का मकसद है। जैसे उस जालिम हुकूमतों में सैयद सज्जाद ने सहीफा कामिला की दुआओं के जरिए तबलीग की, ज़ैनब ने जिलावतनी का हुक्म
जो हुकूमत जारी करती है उसकी मदद से तबलीग की। हाकिमों को पता नहीं था कि फिरौन के घर में मूसा की परवरिश हो रही, कि जो हुक्म वो जैनब की जबान बंदी का जारी करते हैं, इस शहर से चली जाओ। यही तो जैनब का मकसद था कि मैं जगह जगह पहुंचूं, अपने भाई का मातम करूं। काहिरा भी गई, दमिश भी गई, मदीने भी पलट के आई। इस सफर में कहीं इंतकाल हो गया, और ये कब की बात है? ये उस वक्त की बात है जब जैनब ज़ईफ़ी में, और कौन सी ज़ईफ़ी? आम ज़ईफ़ी नहीं, कूफे और शाम के मसायब छोटे मसायब नहीं, उन मसायब की ज़ईफ़ी कि मोहम्मद हनफिया छोटा भाई आ रहा है, अपनी बड़ी बहन को नहीं पहचान पा रहा। इतनी ज़ईफ़ी के बाद जैनब की तबलीग का सिलसिला जारी है, तो पैगाम मिल रहा है, ऐ जैनब कुबरा के जानिसारों, ऐ जैनब कुबरा की कनीजों, ऐ जैनब कुबरा को मानने वालों, तरीका जैनब देखो। ये जैनब कुबरा की सीरत है कि देखो एक लम्हे के लिए भी तबलीग से गाफिल ना होना। शहजादी बन के भी जैनब ने तबलीग की, कैदी बन के भी जैनब ने तबलीग की, मसायब से पहले भी जैनब ने तबलीग की। वो मसायब कि फातिमा की तरह से जैनब भी अगर ये कहें कि इतने मसायब पड़े कि दिन रातों में बदल जाते, उस कमजोरी के बाद भी तबलीग का सिलसिला जारी रहा, ये जैनब की जिंदगी का अहम तरीन पैगाम है। रहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्तहारीन।